हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y35 Android मोबाइल फोन में आप जो फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग जो है ना, चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट, इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको ऊपर की साइड आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन दे रखी है, ये आपको सैंपल में दे रखी है। आपको नीचे की साइड ये बॉक्सेस दे रखे हैं, इनको आपको स्लाइड करना है तो और भी बॉक्स आपको शो हो जाते हैं, ठीक है। इसमें से आपको कोई भी एक बॉक्स आपको सिलेक्ट करना है। देखिए मेरा यहां पर पहले से इस लास्ट वाले बॉक्स पे मेरा टिक मार्क लगा हुआ है, ब्लू टिक लगा हुआ है, तो इस तरीके से मेरे मोबाइल फोन में ये एनिमेशन यहां पे शो होता है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखेंगे आपके यहाँ पर जो है ना एनिमेशन इस तरीके का शो रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस सेटिंग को आप ना चेंज कर सकते हैं। देखिए दूसरा कोई बॉक्स आप सिलेक्ट कर लेंगे दूसरा कोई बॉक्स आप सिलेक्ट कर लीजिए तो ये आपका एनिमेशन चेंज हो जाएगा फिंगरप्रिंट आइकन का, ठीक है। इसे आपको जो है ना नीचे की साइड ये अप्लाई का बटन जरूर दबाना है, ठीक है। अप्लाई का जो बटन है इसको जरूर दबाना है जब भी आप कोई दूसरा बॉक्स आप सिलेक्ट करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए आइकन जो है इस तरीके का दिखाई देगा राउंड शेप में, ये देखिए चेंज हो गया, पहले दूसरे तरीके का था अब ये इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग आपने इस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग को ना आप अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन में ना सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन आपको मिलेगा सर्च आइकन, सर्च आइकन पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है आपको यहाँ पर पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से, तो आपको जो है ना नीचे साइड एक ऑप्शन शो हो जाएगा ये वाला फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, इसे सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का।